चलो हम कांच मंदिर पर आए, और बता दीजिए इसकी खासियत क्या है। ये पूरा कांच से बना हुआ है, अंदर आप जाओगे तो आप पूरा कांच से बना हुआ है। और ये कहाँ पे आया ये कांच मंदिर? कांच मंदिर इटोरिया बाजार में, पुराना इटोरिया बाजार कांच मंदिर इकोडिया। हाँ, जवाहर मार्ग मेन रोड से अंदर इटोरिया बाजार। बधु नजीक नजीक जाइए चाहिए तमने, कदाच चालीन वॉकिंग डिस्टन्स करशो तो तमारू आवी जाए। चलो तमने कांच मंदिर अंदर दखाड़ू तमने। ये प्रतिमा किसकी है? काली गाय से मंदिर भगवान की? भगवान गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का है तो चलो वो तो देखना ही चाहिए। आई लव इंदौर। इंदौर ना होने बहुज गम से तमारू कहीं लव हो इंदौर नो तो कॉमेंट करजो अमने। तो चलो केव लगे जरूरी कमेंट कर दो। कमलेश मोदी। कमलेश मोदी हाँ। अहिंसा परम धर्म मंदिर। ઘણી વાર તો તમને છે ને કંઈક અલગ જ દુનિયામાં વયા જશો, તમને બહુ આનંદ થશે અને અંદર પણ સરસ મજાનું જે જોવા જેવું છે ને। બીજું કે અહીંયાના જે પગથિયા પણ છે ને એ પણ કાચના છે। હા, અરે જોઈ શકો છો, હા અને અંદર પણ, હા અને અંદરનું પણ અહીંયા કાચનું જ છે। આખું મજા આવશે તમને જોવાની। હા का मंदिर बनवाया था किसने? ये हुकम चंद जी ने। हुकम चंद जी से वो बहुत बड़े सेठ है, बहुत बड़ा राशि है वो। और पलाशा में जाओगे तो उसके महल मिलेंगे आपको। पलाशा, पलाशा क्या लाल लाल रंग के महल बने हैं उनके। ये कांच का बेल्जियम से आए थे के यहाँ के? ये तो बेल्जियम के थे ना। ईरान और जयपुर के कारीगरों ने इसे बनाया। जयपुर के कारीगर? हाँ, ईरान और जयपुर के कारीगर। हाँ, लगभग 100 साल पुराना है, 100 ईयर ओल्ड। अभी भी ऐसा ही खड़ा है? हा? कुछ भी अभी के जमाने के मकान बनाते तो 10-20 साल में तो खराब हो जाते हैं। अगर अपनी जेब में पैसा हो तो इसकी काजी वो हो जाए ना, मेरी होती है तो रिपेयर होती है, मजा आता है। नहीं नहीं, हो जाएगी सब। और 10 दिन के पचोसन जी, ये तो आपके साल नहीं हुए, नहीं तो यहाँ पचोसन जी होते हैं बात आपके 10 दिन मिलते हैं और क्या दुनिया आती है, दुनिया जाती है। अब वो तो अच्छी बात है, मगर दिल खुश हो गया, अंदर शांति लग रही है, जाने का मन नहीं हो रहा इतना। अरे साहब, हम तो कहते हैं आने वाले को, कहते हैं कि हमेशा यहाँ रहे तो बहुत आनंद आता है। हाँ, इंदौर जायका का नगरी और इंसानियत वाला नगरी है। हमने तो खाना खाया, बढ़िया मजा आ गई। और यहाँ पे खाने के मामले में तो इंदौर है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, क्लीन सिटी। सातवें नंबर वापस मार देगा। पांचवें नंबर में पांचवा नंबर आएगा, पंचा लगाएगा। सेवन स्टार। मुझे नहीं लग रहा कि कोई 10वें नंबर तक कोई अंदर घुस पाएगा। यहाँ पे प्रशासन तो काम कर रहे हैं मगर लोग भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन ज़्यादा है। हम गुजरात में तो जहाँ पे भी कचरा डाल देते थे पर यहाँ पे हम कचरा, हम कचरा जेब में रखते हैं, नहीं होता
और जहाँ पे होता है डस्टबिन में डालते हैं, रोड पे थूक भी नहीं सकते, उस पर थूक भी 500 रुपये। सही बात, देख लिया हमने 500 पैनल, कोई भी बंदा हो, इंदौर का हो, बाहर का हो, कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, सर ये कितने बजे चालू होता है ये मंदिर? 10 से 5 और सातों दिन चलता है, छुट्टी नहीं होती इनको भी रविवार को? नहीं संडे भी ओपन रहता है, संडे को भी ओपन ही रहता, पब्लिक ज़्यादा आती ना संडे को। नहीं मज़ा आ गई, और सबको ये दिखाऊंगा गुजरात को, काफ़ी लोगों ने देखा तो होगा, मगर आज ऐसी कलाकारी देखने की मज़ा ही कुछ अलग है। थैंक यू सर। चंदन भाई कैसे लग रहा है? आज छोड़ लियो, सिंहासन से काच नहीं ना, दरेक सिंहा दरेक जगह नहीं, पावागढ़ माडीन जेटले पण जे जगह धार्मिक स्थलों से एनी बधीज माहिती अहीं वर्षों पहला आपवामां आवेली छे। ऊपर ना दिल खुश कर दे, ना कांच में हैंडल अच्छी है। आखे आखू कांच नु छे, तमने જોવાની પણ બહુ મજા આવશે વધારે। કેવો લાગ્યો વિડિયો જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો, મને તો બહુ જ ગમ્યું, અહીંયા આવીને તો બહુ જ આનંદ થઈ રહ્યો છે, અને કાચ મહેલની અંદર ફૂલ મોજ, જય માતાજી જય મગર એન્ડ જય હિન્દ, આવી જાજો મોજ કરવા।